हम बात कर रहे हैं क्यूपिट लिमिटेड की। आज के दिन की बात करें तो क्यूपिट में हमको 1% के ऊपर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, और इस गिरावट के साथ स्टॉक ने जो अपना सपोर्ट था 94 का लेवल, इसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता नज़र आ रहा है। क्यूपिट ब्रेक डाउन दे चुका है, हम देख सकते हैं लगातार सेलिंग स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है। यहाँ बायर्स एक्टिव होते नज़र नहीं आ रहे, यहाँ सेलिंग प्रेशर हमको स्टॉक पर देखने के लिए मिल रहा है। तो अब 94 का लेवल जो है नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर चुका है क्यूपिट। तो वैसे कंडीशन में चार्ट पैटर्न पर देखें तो देख सकते हैं 92 के लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और 104 तक का जम दिखाया था। तो अब इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा 92 का लेवल, और ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर वैसे कंडीशन में 88 से 90 तक का फॉल भी हमको क्यूपिट दिखा सकता है, यहाँ तक की भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। इससे पहले भी हमने कहा था कि फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करना है, स्टॉक के सिग्नल के कन्फर्मेशन के लिए हमको इंतज़ार करना होगा। अभी स्टॉक ने ब्रेक डाउन भी कर चुका है 94 का लेवल, तो थोड़ा सा और अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर स्टॉक बाउंस बैक होता है 92 के लेवल से या 90 के लेवल से, तो स्टॉक को बाउंस बैक होने देते। अगर पोजीशंस नीचे की ओर बनाते भी हो तो आप साइड में जो प्रॉफिट मिलता है उसको बुक कर सकते हो, जब तक स्टॉक 100 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता। 100 का लेवल इसका मेजर रेजिस्टेंस बनने वाला है, 9800 का जो लेवल है। स्टॉक बाउंस बैक होता है तो यहाँ तक का जम हमको दिखा सकता है। इससे पहले भी हमने देखा 98 के लेवल पर स्टॉक ने रिजेक्शन फेस कर चुका है 98 के आसपास, तो 9800 इसका मेजर रेजिस्टेंस है। अगर 100 का लेवल स्टॉक ब्रेकआउट करके 2 से 3 दिन ऊपर सस्टेन होता है तो फिर क्लियर कट अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा, फिर यहाँ से क्यूपिट हमको तेज़ी दिखा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा दोस्तों, ब्रेकआउट के इंतज़ार करना ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।